नहीं, मुझे जो कुछ भी कहना है मैं सिर्फ जीजू से ही कहूंगी। देखो सीधे तरीके से सच बता दो, वरना हम अपने तरीके से सच निकलवाएंगे। मुझे जीजू से बात करनी है। कहो क्या बात करनी है, क्या बात करनी है मुझसे? बस एक बात कहूँ, बहुत गलत आदमी चुना है तुमने बात करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी कहानी पर, किसी ढकोसले पर, किसी झूठ पे एक पैसे का विश्वास नहीं है। फिर भी मैं अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ आ गया हूँ, तो बको। चीजू पर असली गुनहगार मैं नहीं हूँ, गफूर है। उसने ही मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए, मेरा यकीन कीजिए। गफूर, इंस्पेक्टर साहब, हम यहाँ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसे उठाइए, लॉकअप में फेंकिए ना। मैं नहीं जानता ये गफूर को कैसे जानती है, लेकिन इस जैसी शातिर लड़की के लिए सब कुछ पॉसिबल है। देखिए खुराना साहब, पूछताछ तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे ये धुआं कहां से आ रहा है, चेक करो बाहर जाके क्या हो रहा है ये। अरे क्या हो रहा है ये? ए, कौन लोग पीछे हटो, पीछे हटो, छोड़ो सबनम को, पीछे हटो, छोड़ो इसे, क्या हो रहा है, छोड़िए इसे, पीछे हटो, पीछे हटो। कफूर, 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 खुराना साहब आप ठीक तो है ना? कफूर, मतलब शबनम सही कह रही थी, वो गफूर ही था इंस्पेक्टर साहब। लेकिन खुराना साहब ये कैसे हो सकता है? उसने जब आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तभी वो दुबई भाग गया था। मैं नहीं जानता है पॉसिबल कैसे, मैं इतना जानता हूँ कि कफूर और शबनम मिले हुए हैं, हमें दोनों को पकड़ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे रहते हैं, मेरे परिवार की खुशियों को मैं आज नहीं आने दूंगा।